आप सभी ने न्यूज़ में ये बात तो सुनी होगी कि BTS के बचे हुए 4 मेंबर्स की प्रोबेबल मिलिट्री एनलिस्टमेंट की डेट आ गई थी और न्यूज़ में बताया गया था कि शायद 11 को BTS के लीडर RM और उनके मेंबर किम तयोंग जाएंगे और फिर 12 को जिमिन और जंगकुक साथ में जाएंगे और फिर फाइनली बिग हिट ने भी अनाउंस कर दिया था कि BTS के चारों मेंबर्स जो हैं अपने एनलिस्टमेंट के लिए जाएंगे। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब BTS के मेंबर्स हमें छोड़कर जाने वाले हैं और उस दिन से पहले हमारे BTS के लीडर RM ने एक काफ़ी प्यारा सा लेटर जो है वो फाइनली अपने व्यूवर्स पर पोस्ट किया है और उनका ये आखिरी मैसेज है मिलिट्री में जाने से पहले, क्योंकि जहां तक है कल सुबह BTS के मेंबर RM मिलिट्री के एनलिस्ट हो जाएंगे। तो इस लेटर का हिंदी ट्रांसलेशन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो RM हमेशा बहुत ही प्यार भरी और कंफर्टिंग बातें हम आर्मीज के लिए लेकर आते हैं, उनके लेटर्स और वर्ड्स को पढ़कर हमेशा दिल को शांति मिलती है और इसी तरीके का बड़ा स्मूथ और क्यूट मैसेज RM ने फिर से व्यूवर्स पर आर्मीज के लिए लिखा है। तो RM ने लिखा, हेलो डियर एवरीवन, यानी सबको मेरा हेलो। वो दिन फाइनली आ चुका है और मेरे दिमाग में बहुत सारे शब्द यहाँ वहाँ हो रहे थे, लेकिन अब ये दिन आ चुका है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अक्सर ऐसा होता है जब हम उस मोमेंट पर पहुँचते हैं तो हमने बहुत कुछ सोचा होता है लेकिन हम नहीं बोल पाते। फिर RM बोलते हैं कि पिछले 10 सालों से BTS की तरह रहकर मैं बहुत खुश रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से कहा जाए तो ये मेरी हैबिट बन गई है, लेकिन इसका ख़त्म होना एक नई शुरुआत है और उनको लगता है कि इसके आगे एक बहुत अच्छी चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है बिना किसी शक के। फिर RM बोलते हैं कि जिन और होसॉक यानी जे होप काफ़ी पहले मिलिट्री में चले गए और उनके लिए ये और ज़्यादा टफ रहा होगा इस तरीके से अकेले जाना, लेकिन इतने अच्छे से ब्रेवली उन्होंने हैंडल किया सबको। चलो भले ही थोड़ी देर हो गई है लेकिन हम भी इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे। फिर RM ने बताया कि ये 18 मंथ यानी जो उनकी मिलिट्री की ड्यूटी रहेगी वो लंबी हो या फिर छोटी हो, उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक पीरियड होगा जहाँ पर उनको नई आशाएँ मिलेंगी, वो नई नई चीज़ें सीखेंगे। हो सकता है कि थोड़ा डर लगे, थोड़ी नई चीज़ें हों, लेकिन फिर भी कोई भी नई चीज़ मिलेगी तो वो उसे अच्छे से एंड्योर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि ये उनकी जर्नी है लेकिन आर्मीज का प्यार उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी बोला कि वो कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा इंसान होना जिसे लोग याद रखें, जिसका इंतज़ार करें, जिसे लव करें, ये बहुत ही ज़्यादा खास होता है और इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोगों के दिलों में ऐसा ही इंसान बनकर रहें जिसके लिए बहुत सारा प्यार हो। और डेफिनेटली RM, आपके लिए हमारे दिल में बहुत सारा प्यार है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जितने शब्द नहीं है उससे ज़्यादा कान है सुनने वाले और हमारा समय, ये सब कुछ। हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो भले ही मैं आपके साइड ना हूँ यानी आपके साथ ना हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसा इंसान बनकर रहना चाहता हूँ जो आपके काफ़ी क्लोज हो। फिर RM ने बोला कि अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी जगह पर हम सभी जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम वापस आएंगे हंसते हुए जा रहे हैं और फ्यूचर हमारे लिए और अच्छा होगा। फिर उन्होंने बोला कि गुड बाय फॉर नाउ यानी अभी के लिए बाय, जब मैं आऊँगा तो फिर आपसे हेलो कहूँगा, चाहे हम जहाँ पर भी हों जैसे भी हों, सी यू इन द फ्यूचर, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। और फिर RM ने बोला कि मैं टच में रहने की कोशिश करूँगा भले ही वो थोड़ा सा क्यों ना हो। तो ये RM का वो इमोशनल सा लेटर है जिसे पढ़कर हम सभी की आंखों में आंसू आ गए और ऑनेस्टली मुझे भी एकदम रोने जैसा फील हो रहा था आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताते हुए भी, इतने सारे इमोशंस फील करे जा सकते हैं। तो फाइनली शायद कल सुबह RM एनलिस्ट होने जा रहे हैं तो उनका ये मैसेज था। तो आप सभी अपना मैसेज RM के लिए कमेंट्स में लिख सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।